लखीसराय जिले के नक्सल प्रभावित चेहरोन कोरासी स्थित गोबरदहा जंगली इलाके में माओवादियों के जमावड़े की सूचना मिलते ही लखीसराय के एसपी अभियान अमृतेश कुमार अपने नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन चला ही रहे थे कि तभी नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। जिले के एसपी सुशील कुमार ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चानन थाना क्षेत्र के चेहरोन कोरासी जंगल में हो रही थी। लखीसराय जिले के नक्सल प्रभावित चेहरोन कोरासी में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में एक हार्डकोर नक्सली इंसास हथियार के साथ गिरफ्तार भी किया गया है। दरअसल बिहार के लखीसराय जिले के चानन थाना क्षेत्र के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच गुरुवार को जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस नक्सलियों पर भारी पड़ी और एक नक्सली को मार गिराया। मृत नक्सली की पहचान जमुई जिला के भरड थाना क्षेत्र के गुरमाहा बिचला टोला निवासी मनसा कोरा के रूप में हुई है। तकरीबन 4 से 5 घंटे तक मुठभेड़ की ये खबर है। बुधवार की रात नक्सलियों ने चानन के ही धनबा गोपालपुर सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के साथ मारपीट की थी। यह निर्माण कार्य कौशल्या कंस्ट्रक्शन के द्वारा चल रहा था। मारपीट की सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस एक्टिव हो गई। इसी कड़ी में गुरुवार की अहले सुबह एसएसबी और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गोबरदह से एतवारी कोड़ा के पुत्र कजड़ू कोड़ा को उठाया और चेहरोन कोरासी के जंगल में लेकर गई। सघन ऑपरेशन के बाद दोपहर के करीब पुलिस और नक्सलियों का आमना सामना हो गया और मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में एक 50 साल के नक्सली को पुलिस ने मार गिराया। मारे गए नक्सली के पास से एक पिट्ठू बैग और इंसास राइफल पुलिस को बरामद हुआ है। इनकाउंटर के बाद मुठभेड़ में शामिल अन्य नक्सली पुलिस को लाश उठाने नहीं दे रहे थे। नक्सलियों की मंशा थी कि लाश को वो अपने साथ लेकर चले जाएं, लेकिन पुलिस के भारी पड़ने के कारण नक्सली अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद लाश को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। पहाड़ी जंगलों पर पुलिस की कार्रवाई अब भी जारी है। दोनों तरफ से रह रहकर गोलियां चल रही हैं। एसपी सुशील कुमार ने बताया कि इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि इस मुठभेड़ के दौरान कोई अन्य नक्सली घायल भी हुआ है या नहीं। उन्होंने कार्रवाई के दौरान हथियार के बरामदगी की बात पुष्टि की है। एसपी खुद भी घटनास्थल पर मौजूद थे। नक्सलियों के 3 दस्ते के हाल के दिनों में सक्रिय रहने की बात सामने आ रही थी। बताया गया है कि अरविंद यादव, अर्जुन कोड़ा और बालेश्वर कोड़ा दस्ते का नक्सली पिछले 1 सप्ताह से सक्रिय थे। इसी का नतीजा है कि जवानों के ऑपरेशन के क्रम में गुरुवार को नक्सलियों से सामना हो गया और मुठभेड़ हो गई। हालांकि मृतक नक्सली किस दस्ते का है इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है। देखिए, हम लोगों को एक सूचना थी कि नक्सलियों का जमावड़ा हुआ चानन क्षेत्र के गोबरदहा एरिया में। उसी क्रम में रात में हमारी एसएसबी की टीम और लखीसराय पुलिस की टीम एसएसबी की साइड पर निकली थी। अभी सूचना मिली है कि एक मुठभेड़ हुआ है चेहरोन कोरासी के पास, जिसमें एक नक्सली के हताहत होने की भी सूचना है और आर्म्स भी मिलने की सूचना है। विस्तृत जानकारी तो अभी मैं थोड़ी देर बाद दे पाऊंगा, लेकिन अभी यही एक सूचना है। क्या सर, कुछ कितने की संख्या में नक्सली थे, क्या कुछ खबर? अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है मुठभेड़ के बाद, और सारी चीज़ें जो है अभी पता हो जाएगी थोड़ी देर में। उसके बाद हम कुछ बड़े नक्सली नेताओं की भी सर अब ये सब चीज़ें हम बताएंगे आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। अभी बताना कुछ घायल का भी सूचना, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वही उसी चीज़ को ढूंढा जा रहा है। नक्सल की डेड बॉडी है सर, वो पुलिस के कब्जे में है सर। हाँ, थैंक यू सर। लखीसराय से खुलासा के लिए रामायण सिंह राजपूत की रिपोर्ट।